एक बार फिर से कोरोना छत्तीसगढ़ में दस्तक देने वाला है, इसको लेकर शासन प्रदेश भर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। यहां कोविड की जांच के लिए आए रैपिड टेस्ट किट और बड़ी मात्रा में दवाइयों को खराब होने से पहले ही बलौदाबाजार नगर पालिका के सोनपुरी स्थित डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया है। फेंकी गई दवाइयों को कूड़े में देखने को मिली। आपको बता दें कि दवाइयों की अंतिम तारीख जुलाई 2024 तक है और इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दवाइयों को कचरे में फेंक दिया है। दवाओं और कोरोना टेस्ट किट के फेंके जाने की जानकारी पर कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने नया मामला होने की बात की है। कलेक्टर चंदन कुमार ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराने की बात कही। मामले जो है मेरे लिए नया है, जरा ये सब मामले और आपकी जानकारी में कोई मामला हो तो बताइएगा, सबका एक बार जांच करवाते हैं। और चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, सबको न्याय मिलेगा और हमारा ये प्रदेश जो है उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाएगा, सबको न्याय मिलेगा और सभी योजनाएं जो है अक्षरशः लागू होगी। जहाँ कचरा डंप किया जाता है वहाँ पर कोरोना जो है वो हम दस्तक दे चुकी है और भारी मात्रा में वहाँ पर कोविड टेस्ट करने की किट और दवाइयाँ वहाँ पर वेस्टेज पड़ी हुई है। मैं निश्चित तौर पर ये बड़ा ही गंभीर मसला है और इसको मैं तत्काल चेक कराता हूँ, जहाँ पे भी ऐसी दिक्कतें होगी उसको ठीक किया जाए।